डूंगरपुर के मुस्लिम यूथ ने जिला पुलिस अधीक्षक को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। डूंगरपुर के सुन्नी मुस्लिम यूथ के युवाओं ने कहा कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उस सरकार के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा देश के 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते हुए मुस्लिमों के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक शब्द कहेंगे तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवाओं ने ज्ञापन देकर नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग कही है। युवाओं ने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा नेशनल टीवी पर डिबेट में ऐसी अपमानजनक भाषा का उपयोग करती हैं और नेशनल टीवी के चैनल उन्हें इसकी इजाजत भी दे देता है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। युवाओं ने कहा कि नुपुर शर्मा के अपमानजनक बयान के बाद डूंगरपुर के मुस्लिम समाज में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों में रोष व्याप्त है। युवाओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द भाजपा के इस राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।